फिर से एक नए ब्लॉग में आ चुका है और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप सभी को गांव का सैर कराने वाले हैं और सावन टाइम चल रहा है तो यहां पे थोड़ा थोड़ा रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग भी यहां का लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, गांव का लोकेशन आप सभी को दिखाएंगे वीडियो में, तो आप सभी बताना कैसा है व्यू अभी। और यहां पे अभी 2-3 दिन बाद है नागपंचमी और गाँव में जो बोलते हैं गुड़िया बोलते हैं और जो आप सभी बोलते हो नागपंचमी बोलते हो, और वहाँ पे भी इस वजह से यहाँ पे गांव में सभी लोग तैयारी कर रहे हैं नागपंचमी की, क्या क्या बनाते हैं खाने वाने में। सो अब आप सभी को नागपंचमी के दिन आप सभी को दिखाएंगे क्या क्या बनाते हैं खाने पीने में, घर पे जो बनेगा आप सभी को सब दिखाएंगे। और अभी इस टाइम ये तैयार कर रहे हैं खेल कूद का, जो नागपंचमी त्यौहार पर सभी लोग गाँव के लोग जाते हैं अखाड़ा कूदने के लिए और कबड्डी का खेल होता है गाँव में, वो आप सभी को दिखाते हैं। अभी गाँव में मेरे जैसे हैं तैयारी कर रहे हैं खेल कूद की, वो आप सभी को चल रहे हैं दिखाते हैं और ब्लॉग में बने रहना लास्ट तक। ये देखिए अनुज भाई थे मेरे गांव के ही हैं, वो लेके जा रहे हैं बेहन और उनका भी आज धान लग रहा है, वो खेत में लेके जा रहे हैं, अभी आप सभी को दिखाए ही मोड़ पे उठा के लेके जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं आप सभी को बाद में पहुँच कर दिखाते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, प्रोग्राम चल रहा है तो चल रहे हैं। हम आ चुके हैं बाग में हैं अपने गांव के और यहाँ पे अखाड़ा कूदा जा रहा है तो आप सभी को दिखाते हैं, और यहाँ पे उसके बाद कबड्डी खेलेंगे वो भी आप सभी को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे अभी अखाड़ा कूदा जा रहा है वो दिखाते हैं, और कबड्डी खेलेंगे वो भी आप सभी को दिखाएंगे किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे कबड्डी की तैयारी हो रही है और देखिए सब तैयार हो चुका है एकदम से, बस स्टार्ट ही होने जा रहा है कबड्डी। तो ये ही चीज अपनी करी। नहीं यार